पाप को बापू है। आप वही तो पूछने हैं कि मतलब पाप को मतलब जड़ क्या है, पाप की बाप कौन है जी, सभी आप पाप की जड़ वही एक ही है। पाप की जड़ समझ लो चाहे पाप को बाप समझ लो, बात एक ही है, लोभ है। किस प्रकार से ये भी बताइए, मतलब भाई लोभ से तो पाप पैदा होता है, ये तो बात है, लेकिन मतलब आप अच्छी तरह से थोड़ी दर्शाइए। कौन प्रकार से अपन हाँ लालच आ गो, लालच और लोभ एक ही चीज है, वो ही पाप की जड़ है। अपन कौन लोभ नहीं है, कौन लालच नहीं है, तो चार सोनो डो रहा है अपना मतलब ही नहीं। और जब उनमें लोभ लालच आ जाए तो अपन सोचें चाहे चोरी कर वो सोचें चाहे छिपावो उठावो सोचें, तो बस पाप ही की जड़ा, पाप ही पैदा होगा, चोरी का काम है यही पाप की जड़। बताओ तो यही जाता, बाकी फिर कई कभी ऐसी होती है जो चीज अंत लगा दे, एक चीज के कई अर्थ निकले, एक ही बात के कई अर्थ लगा ले। जैसे कि अगर पाप का और तरीके से भी अर्थ हो जाए तो वो भी हाँ दर्शा सकते हैं। कई चीजें होती है, कोई कौन लगा दे, कोई कौन लगा दे, जो आदमी वो भी कह देते गुरु गुरु छ कौन कौन प्रकार से सुन लो, कौन कौन प्रकार से सुनो, कौन उनको अर्थ कम लगा दो, कौन कम लगा दो, ये कहिया। जैसे चना है नाज ही है, कौन भी नाज है, क्योंकि कुल नाम हो जाता, बाटा पिसिया तुम पिसा पिसिया के हो पिस गो सो आटा बन गो, क्योंकि तो कई चीजें तैयार होती हैं। इसी प्रकार से ये पाप लेकिन एक ही बन है, बुरो खाने का पाप ही बने, पाप ही की जड़ तो वही जड़ समझ लो, खुद ही से पैदा हो तू, पैदा हुए लेकिन तो जड़ है। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।